मुंबई के फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो संसद में खड़े होकर सवाल उठाने वाले ये लोग सड़क पर ही खड़े थे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन पोस्ट में। मैं हूं मीनू वर्मा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपको याद होगा कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे वो? पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहाँ तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहाँ होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। मुंबई फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक दौर में देश की फिनटेक क्रांति पर सवाल उठाया जाता था, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर स्ट्रीट फूड तक फिनटेक की विविधता देखकर विदेशी भी हैरान रह जाते हैं। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो संसद में खड़े होकर सवाल उठाने वाले ये लोग सड़क पर ही खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको याद होगा कि कुछ लोग संसद में खड़े होकर पूछते थे और अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग तब पूछ रहे थे। दरअसल सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वे रास्ते पे ही खड़े थे। वे पूछते थे कि भारत में बैंकों की ब्रांचें नहीं है, गांव-गांव बैंक नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक ये भी पूछ लेते थे कि बिजली भी नहीं है तो रिचार्ज कैसे होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में 31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। इस दौरान हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% बढ़ोतरी हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खाते ने भारत में कमाल कर दिया है। फिनटेक स्पेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप खुद सुनिए। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे सातों दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।